जंगल कौड़िया से लेकर मोहद्दीपुर तक निर्माणाधीन फोर लेन के लिए सोमवार को भी गोरखनाथ मंदिर के आसपास की मकानों एवं दुकानों को तोड़ने का काम जारी रहा। इसके अलावा सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल के मंदिर को भी तोड़ा गया। मंदिर समिति के संरक्षक ने बताया कि प्रशासन की तरफ से मंदिर के निर्माण के लिए जगह देने की बात कही गई है। जगह मिलते ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। गौरतलब है कि फोर लेन निर्माण के लिए ओवरब्रिज से गोरखनाथ हॉस्पिटल तक सड़क के दोनों तरफ 11-11 मीटर अतिक्रमण हटाया गया, जिससे सड़क का चौड़ीकरण किया जा सके, जिसके लिए जहां गोरखनाथ मंदिर की दुकानें तोड़ी गई, मकानों को भी तोड़ा गया। इसी के साथ भगवान झूलेलाल के मंदिर को भी हटाया गया, जिससे फोर लेन का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झूलेलाल मंदिर समिति के संरक्षक अशोक जुमनानी ने कहा, अशोक जुमनानी। 62 साल उम्र हो गई, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से मूर्ति यहीं पे है और सिंधी समाज की, आस पड़ोस वालों की, सब लोगों की इसमें बहुत आस्था है। यहाँ तक कि खुद योगी महाराज जी की भी इसमें आस्था है। जब भी यहाँ से गुजरते हैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए रुक के हाथ जोड़ के ही आगे बढ़ते हैं। स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया? स्थापना तो महंत मंदिर बना था 1970 में महंत अवैधनाथ जी, महंत अवैधनाथ जी ने इनकी स्थापना की थी। फिर मंदिर कहाँ स्थापित होगा? अब तो यहाँ मंदिर हम लोग इसकी जगह मिलेगी, वहाँ स्थापना किया जाएगा। आश्वासन मिला है कि हम लोग आपको जगह देंगे। निर्धारित है
लेकिन हम लोगों को अभी तक हमारे हैंडओवर नहीं हुई है, हम लोगों को मिली नहीं है, निर्धारित है। समाज को नहीं मिली, समाज को अभी उनके हाथ में आई नहीं है, बता दिया गया कि ये आपको जमीन मिलेगी। जी यहाँ पे नगर पालिका कैंप कार्यालय है, यहाँ हम लोगों को 850 मिल रही है मंदिर के लिए, और पीछे जैन बसेरा जहाँ है वहाँ उपलब्ध शौचालय की जगह वहाँ 3500 है, वो 3500 हमारे पंचायत भवन सिंधी समाज के लिए मिलेगी। ये जो विकास के लिए हो रहा काम है, हाँ ये शहर के विकास के लिए हो रहा है, हमारे गोरना क्षेत्र के लिए, हमारे गोरखपुर शहर के लिए विकास के लिए कार्य हो रहा है। इसमें हमारे सिंधी समाज की भी सहमति थी, इसमें स्वेच्छा से सब लोग हम लोग अपने पीछे हट गए। जुड़े आप मंदिर से, आपकी पूरा समाज जुड़ा हुआ है। हम लोग का सिंधी समाज पूरा गोरनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, उसी में हम लोग की आस्था है, मंदिर की भी यहाँ हमारे झूलेलाल मंदिर में आस्था है। हम लोग को खुशी है गोरनाथ मंदिर यहाँ का विकास करवा रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हो, हम लोग की आस्था उसमें जुड़ी है, जैसा योगी महाराज जी कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे।